70% जो है वो गांव में बसती है, तो शहरों में तो जो बच्चे थे उनके लिए बहुत सुविधा थी, लेकिन जो गांव में रहते हैं उनके लिए तो बहुत असुविधा थी। ना वो पढ़ पाए, ना वो एग्जाम दे पाए, ना सेंटर में जा पाए। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जो लोग प्रभावित हुए हैं, इनफैक्ट जो नहीं सभी लोग प्रभावित हुए हैं, उन सबको सरकार 2 साल का एक रिलैक्सेशन दे। हमारी यही मांग है सरकार से। सर आप बताइए नाम अपना और बताइए सर जो है इसके लिए भी आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं। सर मैं सुगम मिश्रा गोरखपुर से हूँ। सर मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ, यहाँ पर मैं कल शाम को जब यहाँ से गुजर रहा था तो मैं देखा कि मेरे बहुत से भाई बहन यहाँ पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इनसे मुलाकात किया सर तो मुझे मालूम चला कि ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि गत 2 वर्ष से कोरोना काल रहा। इस कोरोना काल में हम इनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है। अगर हम संविधान की बात करें, हम सभी लोगों के पास एक अधिकार है, अनुच्छेद 16 जो कहता है कि सभी को एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। लेकिन रोजगार जब सरकार देगी ही नहीं तो हमें रोजगार मिलेगा कहाँ से? हमारी राज्य सरकारें भी इसमें निरंतर असफल रही हैं, हमारा केंद्र सरकार भी निरंतर असफल रहा है। आज की युवा बहुत ही विकलांग हो चुकी है। यहाँ पर बैठे जो भी लोग हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। किसी के माँ की बीमारी है, किसी के पिता का बीमारी है, किसी के पिता ने अपने किस खेत को रेहन रख के भेजा हुआ है। यहाँ पर युवा हर पल हर सांस किसी तरीके से मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है, उसके उपरांत भी उसे सफलता नहीं मिलती है। मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूँ, यहाँ पर बैठे हमारे सभी भाई बहनें जो रात दिन एक कर दे रहे हैं, उनके लिए जल्द से जल्द कोई एक्शन लें और हमें जल्द से जल्द हमको जल्द से जल्द न्याय मिले। यही मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूँ। धन्यवाद। आपको फोन कर देता हूँ।